हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स की रिवीजन सीरीज़ में। 39th प्रीमिक्स को शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस प्रीमिक्स में तीन अभी रिवाइज़ किए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि आपने बताना है कि जो जैसे GDP कैलकुलेट करते हैं जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसमें CIGX और M जैसे कंजम्पशन वाले कॉम्पोनेंट में आपने बताना है कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं। ओके, ठीक है। तो कंजम्पशन में पहला इसमें पूछा हुआ है फॉलोइंग माइट बी काउंटेड, अच्छा शामिल हैं, शामिल पूछा गया है। तो जैसे फूड, यस फूड शामिल है कंजम्पशन में। कंजम्पशन क्या होता है? जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स वगैरह घर पे खर्च करते हैं, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट ऑफ GDP एक्सपेंडिचर मेथड में। रेंट वो भी शामिल है, ज्वेलरी ये भी शामिल है, परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग नहीं, ये शामिल नहीं है। परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग कहाँ पर आता है? ये इन्वेस्टमेंट में आता है। जैसे हमने पढ़ा था ना CIG, जो हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट बॉडीज वगैरह, जैसे लेट्स से कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, इसमें हम इन सबको ऐड करके एक्स और एम माइनस करते हैं, ऐड एंड इंपोर्ट माइनस। तो ये जो परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग है, ये हमने टेस्ट में बहुत बार पूछा आपसे, ये शामिल यहाँ नहीं होता। तो आंसर आ गया 1, 2 और 3 ओनली। ओके, देन यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं, न्यू हाउसेज आर इंक्लूड इन्वेस्टमेंट। ओके, आर्टिकल 395 की बात हो रही है। आर्टिकल 395 थोड़ा सा न्यूज़ में था इसीलिए हमने इसको बात पूछी आपसे। आर्टिकल 395 हम जैसे अगर मैं आपको आगे ले जाऊँ यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये बताता है बात किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी। ऑटोक्थनी क्या होता है? जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जैसे किसी जैसे इंडिया के केस में क्या हुआ था, हमें एक जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हमें बोला कि आप अपना जो बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो उसने हमें अलाउ किया। तो ये लेकिन जो आर्टिकल 395 हमने डाला, तो उससे हमने क्या बोला, अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब हम सच में आज़ाद हैं, हमें कोई किसी ने हमें परमिशन नहीं दी, हमें कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, हमने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इस तरह से हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम अचीव करी। कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक्ट के कहने पर, हमने किसी इंग्लैंड के किसी एक्ट के कहने पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या था कि इट रिजेक्ट्स अ वेरी सोर्स ऑफ विच लेड टू क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या जो भी था उसको, उसका हमने कहीं जिक्र नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ठीक है। तो देन हमारा जो ये इसमें सच में आज़ादी आती है ट्रू सेंस में। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में लिखे गए वो ऑटोक्थनस कैसे हुए? जब उन्होंने अपने सोर्स को ही नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर है एक वेदर टाइप आपको दिया हुआ है बहुत सारा, जैसे विंटर जो उसमें लिखा हुआ है क्लाउडी स्काइज हैं, फॉगी मिस्टी मॉर्निंग्स हैं एंड रेनी डेज हैं आपके बहुत सारे, और उसके बाद लिखा हुआ है स्प्रिंग ड्राइस्ट होता है, और जो कहते हैं जो स्प्रिंग जो काफ़ी ड्राई है और रिफ्रेशिंग भी है क्योंकि विंटर्स में बहुत लोग डिप्रेस हो गए थे और थोड़ा हरियाली वापस आती है, और यहाँ पे जो लॉन्ग कंपैरेटिवली सनी समर्स हैं एंड उसके बाद जो जो अब ऑटम आएगा उसमें अगेन बहुत विंड्स बहुत तेज़ चलेंगे, क्योंकि UPSC से सवाल पूछता है आपसे विंड, आपको एक कुछ वेदर पैटर्न बताकर आपसे पूछेगा कौन से तरह की क्लाइमेट टाइप है, और यहाँ पे जनरली 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखे जाते हैं। तो और यहाँ ये जनरली ये जो चीज़ है ये ट्रॉपिक्स में थोड़ी एब्सेंट है, तो आपने बताना है ये कौन से वेदर टाइप है, सावाना, लॉरेंशियन, ब्रिटिश टाइप या मेडिटेरेनियन टाइप। तो इसका आंसर निकल कर आता है कौन सा? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एक वैसे इंपॉर्टेंट तरह का क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न मार्जिन पे, नॉर्थ वेस्टर्न पे दिखता है ये, एंड जो टेम्परेट में दिखता है जनरली। ओके, तो अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है 2011-12 को बेस बना के, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। सिंपल सा रीज़न क्या है? ताकि फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट नज़र ना आए कि महंगाई में, कि टैक्सेस बढ़ने या घटने से जो चीज़ें सस्ती महंगी होती रहती हैं तो उसका इंपैक्ट नज़र ना आए, तो इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए टैक्सेस हटा दिए गए हैं WPI की कैलकुलेशन से। अब यहाँ पर ट्रांस फैटी एसिड्स की बात आ रही है कि जो अगर जो आपने बताया इसमें कौन सी बातें सही हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ये एसेंशियल टाइप ऑफ फैट्स हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ एसेंशियल टाइप ऑफ फैट्स है, नहीं एसेंशियल टाइप ऑफ फैट्स वाली बात सही नहीं है। एसेंशियल फैट्स जनरली किसको कहते हैं कि जो बॉडी जिसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन हाँ बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोसेस कर पाती है। उसके बाद कहते हैं ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गई, एंड देन ट्रांस फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं? जब इनके ऊपर से हाइड्रोजन गुजारी जाए तो ये सॉलिड हो जाते हैं, एंड सॉलिड होकर तो ये प्योर घी एंड बटर जैसे फीलिंग देते हैं, तो इसीलिए ये इनको स्टोर करना आसान रहता है, ये बात सही है। एंड इनके बाद यहाँ लिखा हुआ है दे प्रेजेंस लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, नो इट इंक्रीजेज, ठीक है, तो गलत हो गया। और यहां पे क्योंकि ये क्या करते हैं, ये HDL जो आपका है HDL को रिड्यूस कर देते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा। जो आपका जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है दैट इज अ गुड लिपोप्रोटीन, ठीक है, हाई डेंसिटी वाला। जो लीड जो लो डेंसिटी वाला है दैट इज बैड, ये वाला जो इसको बुरा वाला लिपोप्रोटीन कहते हैं। लो डेंसिटी लगता है कि अच्छा होगा लेकिन इट इज अ बैड लिपोप्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है यहां पे? C, 2 ओनली। ओके,
तो ये वाली बात आपको बतानी चाहिए। ओके देन प्रीमिक्स हमारा नेक्स्ट आ गया 40th। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट की बात हो रही है, बॉस्पोरस स्ट्रेट हमने बहुत सारे स्ट्रेट्स हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बॉस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है, अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ने वाला ये स्ट्रेट नहीं है। ये वाला अटलांटिक और मेडिटेरेनियन वाला स्ट्रेट का नाम क्या है, जिब्राल्टर, ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एशिया एंड ऐसे, ये दैट इज़ ट्रू है ना, ये वाली बात भी सही है कि ये जब जो टर्की को अलग करता है, जो पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न जो अपना यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की को अलग करता है, तो ये बात सही होगी। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 and 3 ओनली। ओके ठीक है, तो ये सवाल जो एक पीसीएस में पूछा जा चुका है ना, ओके उसके बाद अब आपको एससीओ के मेंबर्स बताने हैं, और ये बहुत बार आपने इसको याद भी किया, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे आपकी जो मेंबर्स हैं अपने पास, ये इसको याद करने का तरीका हमने पहले ही बनाया था, जैसे ट्रक है ना, TRUCK के, तो लेकिन यहाँ पे देखो अपने इंडिया पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गए, जैसे पाकिस्तान भी है ठीक है, के दोनों के वाले, किर्गिस्तान कजकस्तान दोनों है, रशिया भी है, एंड उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, यहाँ पे एक बार सही बात ध्यान रखनी है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तजिकिस्तान है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शुरू में जो उसको पांच जो लोगों ने बनाया था, ये वाले पांच लोग थे, ग्रेजुअली इसमें और ऐड हो गए, उज़्बेकिस्तान ऐड हो गया, फिर इंडिया एंड पाकिस्तान भी ऐड हो गए, तो अभी इसमें 8 मेंबर्स हैं, ये वाली बात। इसको इनिशियली शंघाई 5 कहा जाता था, एंड फिर इसका जो हेडक्वार्टर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर इसके बीजिंग में है, शुरुआत शंघाई से हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ओके अब ये पूछा हुआ एक्वेरियन, एक्वेरियन करके एक एक्सरसाइज हुई थी, इसमें इंडिया ने किसके साथ पार्टिसिपेट किया, मालदीव्स के साथ, तो मालदीव्स यहाँ पे एक हमारा आंसर है, बाकी हमने एक्सरसाइज पे वीडियो भी बनाया आपने किया वो वाला, एंड अगेन मालदीव्स से हमारे थोड़े से अभी चल रहा था कुछ जो 36 का आंकड़ा, तो इस कारण से आपको याद होना चाहिए ठीक है। तो नीति आयोग, नीति आयोग किस तरह का जो बॉडी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड या फिर इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बोलते हैं, इसके लिए कोई लॉ पास नहीं हुआ है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है ठीक है। एंड देन हमारे पास ये आखिरी ये है हमारा क्वेश्चन, जो ग्लैंड्स पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज केमिकल डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, नो दे डू नॉट रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो दे यूज एक पर्टिकुलर डक्ट, हमने ये पहले भी बात की हुई है ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में इशू करते हैं, और उसके बाद केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय एक्सोक्राइन नोन एज हार्मोन्स, दैट इज अगेन रॉन्ग, तो ये हॉर्मोन्स नहीं कहलाते, जैसे सलाइवरी डक्ट्स हैं और वो अब सलाइवा इशू कर जो रिलीज कर रही हैं एट्सेट्रा, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे रिलीज केमिकल सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स, दैट इज ट्रू, और ऑनटू सरफेस विद इन द बॉडी, ये हमारी यहाँ पर बात सही हो जाती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सॉरी यहाँ पर हमारे जो थ्रू डक्ट्स लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, एंडोक्राइन जो डक्ट्स में नहीं डायरेक्टली कहाँ पर, बिल्कुल ये हमने इंटरचेंज कर दिया एक्सो और एंडो को, तो ये एक्सो तो डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, एंड लिवर बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, दैट इज ट्रू, लिवर में दोनों ही तरह के उसने काम किए हैं, और यहाँ पर थोड़ा आगे लगाया भी हुआ है, तो लिवर देखो दोनों तरह की काम करता है, एक्सोक्राइन भी है, जब एक्सोक्राइन काम कर रहा है तो वो बाइल रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, और उसके बाद उसके बियॉन्ड लिवर और भी तरह के हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज करता है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, तो शायद थोड़ा सा हेल्प मिले, तो इसीलिए दोनों तरह की काम करता है लिवर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहोगे तो पेपर में फ़ायदा मिल सकता है ठीक है दोस्तों। तो रिवाइज़ कीजिए, अगले प्रीमिक्स की रिविजन भी हम जल्दी से लेकर आएंगे आपके लिए ठीक है, और हम 50 तक रिवाइज़ करेंगे, देन आप उसको अपने एंड पर रिवाइज़ करें, ताकि हम आपको कुछ और भी नई नई चीज़ें ला सकें आपके लिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट।